बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग आईटी जेई मेंस के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये एग्जामिनेशन 10 जनवरी 2019 को सेकंड स्लॉट मीन्स इवनिंग के सेशन में कंडक्ट किया गया था। तो उसके चलिए सॉल्यूशन देखते हैं केमिस्ट्री के। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स ये थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है और ग्राउंड स्टेट की ये दी हुई है। तो क्या आंसर होगा इसका? तो अब इसका एनर्जी का फॉर्मूला पता ही, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ द ऑर्बिट इज -E0 इंटू जेड अपॉन एन इज होल स्क्वायर, राइट। और कंपेयर करना है इससे, तो ई नॉट एन का क्या होगा? तो एन की हमें वैल्यू पता नहीं है, हीलियम की, हीलियम प्लस का निकालना है हम। एंड हाइड्रोजन का तो 13.6 है, ग्राउंड स्टेट में तो 1 होता है, और हीलियम जेड की हो जाएगी आपका 2। और एन कितना, सेकेंड साइड स्टेट का मतलब होता है ये एन इक्वल टू 3 की बात कर रही हैं, तो ये 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस आंसर इज करेक्ट। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रॉपी चेंजेस। नेगेटिव एंट्रॉपी, नेगेटिव एंट्रॉपी का मतलब ये कह रहा है चेंज मीन्स डेल्टा इज मस्ट बी नेगेटिव। चलिए चेक करते हैं। सिंथेस अमोनिया, तो मीन्स अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है अमोनिया। तो इसमें देख सकते हैं कि ये सारे के सारे गैस हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की एंट्रॉपी सबसे ज़्यादा होती है। तो चेंज एंट्रॉपी का मतलब हो गया प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 3 मोल है, तो 2 - 4 ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर तो आपका नेगेटिव चेंज दिख रहा है इस केस में। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम सल्फ, ये कैल्शियम ऑक्साइड पर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक सॉलिड से एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, तो ये भी हमारा सॉलिड से गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन हो रही है, तो ये भी यहाँ पर भी जो डेल्टा एस होगा वो भी हमें दिख रहा है पॉजिटिव, एंड रेनॉल्ड्स यहाँ बढ़ रही है। और आयोडीन को जब वाटर मिलाते हैं तो ये भी डिजॉल्व हो जाता है वो आयोडीन, और यहाँ भी अब देखेंगे तो डेल्टा एस भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आंसर सिर्फ एक ही नेगेटिव एंट्रॉपी होगा, वो होगा पहला क्वेश्चन। इन द रिएक्शंस ऑफ द ऑक्सीलेट विद पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो सबसे पहले रिएक्शन देते हैं, ये पर मैग्नेट के इस रिएक्टेंट के एसिडिक मीडियम में ऑक्सीलेट का रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीलेट लीजिए, ऑक्सीलेट को हम कहते हैं ये C2O42 नेगेटिव्स, और पोटासियम पर मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन हम लीजिए, और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है इस कार्बन का, एक कार्बन का ऑक्सीजन होगा +3 और एक कार्बन का होगा +4। एक कार्बन के लिए अगर हम चेंज इन ऑक्सीजन नंबर लिखें तो सिर्फ चेंज ऑक्सीजन स्टेट लिखें तो ये 4 - 3 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन नंबर लिखें तो 2 कार्बन के लिए हो जाएगा 1, तो 8 - 6 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस, ये 8 - 6 इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन हो रही है। पूछ रहा है कि अगर हम 1 मोल ले लें या 1 मॉलिक्यूल ले लें तो कितना होगा, तो 2 मोल के लिए 2 मोल्स लग रहे हैं, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल कितना होगा, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्शन होगा, तो आंसर ये सही है। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो, ये अल्किन्स है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल से अल्किन्स पर किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, ऑन दिस अल्कोहल इज कन्वर्टेड इन टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ इसी का कन्वर्ट देखते हैं कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि ये मिथाइल कीटोन, आप देख सकते हो एक मिथाइल कीटोन से, मिथाइल CHOH है आपका, हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी है, तो इसमें देख सकते हो ये हाइड्रोक्सी है बीटा इस कारण पर, CH कारण पर, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब इसको इस कारण कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ये कौन कर सकता है, तो ये इट इज ए काइंड ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ही ये ऐसा संभव है जिसमें ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। चलिए चेक करते हैं Cr2O2Cl2, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फेट, तो इसमें तो ये संभव नहीं है, तो ये पहला आंसर तो गलत हो जाएगा।
सेकेंड आप देख सकते हैं ये आइडोफॉर्म रिएक्शन, इस आइडोफॉर्म में ये जो है ये आपको आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है CH3। तो ये तो हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। अल्कलाइन KNF4, अल्कलाइन KNF4 में अगर ये हम BS रिएजन लेते हैं तो फिर ये तो डबल बॉन्ड को चेंज कर देगा ग्लाइकॉल में, तो ये भी गलत आंसर है। और टॉलेंस रिएजन लेते हैं तो टॉलेंस रिएजन एल्डिहाइड कीटोन्स में काम करता है, तो उस केस में भी एल्डिहाइड कीटोन्स को वो कन्वर्ट कर देता है उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये भी आंसर हमारा यहाँ पर गलत है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर सुटेबल रीजन फॉर दिस कन्वर्जन ओनली हेलोफॉर्म रिएक्शन दैट इज I2N NaOH, दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लेशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये बता दूं कि जब ओजोन लेयर में जो रिएक्शंस होते हैं उस केस में वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि CF2Cl2 डाइफ्लोरोकार्बन डाइफ्लोरोक्लोरोकार्बन, सो अल्ट्राफाइट में ये फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो सही दिख रहा है। सिमिलरली CLO. ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और HOCl ये भी सनलाइट में फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ये दोनों रेडिकल रिएक्शंस है। लेकिन आप अगर देखेंगे ओजोन का मीथेन के साथ में ये फॉर्मल्डिहाइड, तो ये रिएक्शंस ही सिर्फ नहीं होता है। तो कह रहा है कि नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व मीन्स हमारा वन इज करेक्ट आंसर। ए रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड इथिलीन डायमीन इन ए 1:2 मोल रेशियो एंड इट इज जनरेटिंग टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए क्या वायलेट कलर के हैं एंड बी इज द ग्रीन कलर कंपाउंड। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स डज ए एंड बी रिप्रेजेंट। सो कोबाल्ट इज कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका ऑक्सीजन स्टेट हमारा 3 है, और रेशियो क्या है आपका, तो डायमीन का मोल रेशियो 2 है लेकिन क्लोराइड का 1 है, तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। CO और EN होल ट्वाइस और Cl एक अंदर और दो Cl आपको उसे दो Cl अंदर एक Cl बाहर, तो Cl का मोल रेशियो 1 हो जाएगा और Cl का मोल रेशियो 2 हो जाएगा, तो इस Cl की काउंटिंग नहीं होगी। अब कह रहा है कि इसका इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक तो देखिएगा एक तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब ये जरूर ही सिस के फॉर्म में होगा। तो अगर हम देखेंगे ओ यहाँ पे है, तो एक आपका EN का एक कंपाउंड ऊपर से होगा और एक कंपाउंड EN का यहाँ से ऐसे होगा, और यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl, तो ये हो गया सिस फॉर्म हो गया। यही सिस फॉर्म हमारा वायलेट कलर का होता है, और दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो ओ यहाँ पे होगा और एक EN हमारा इधर से होगा और एक EN हमारा यहाँ से होगा और एक Cl ऊपर एक Cl ऊपर, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म के ट्रांस के फॉर्म में ये कंपाउंड है, और ये हमारा होगा ट्रांस के फॉर्म में होगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दिस मीन्स ये सिस एंड ट्रांस क्या है, किस तरह का आइसोमर्स है, तो ये लिंकेज आइसोमर्स नहीं कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं कह रहा, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। तो ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव जाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। सो आंसर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द एमिनो एसिड्स। अब इसमें से कौन सा जो चारों टेस्ट है, निन हाइड्रिन ब्यूरेट और बारफोइड एंड जैंथोप्रोटिक टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो इसमें तो आप तो ये तो एक टेस्ट आपको याद करना पड़ेगा, अपने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो निन हाइड्रिन है, ब्यूरेट है, जैंथोप्रोटिक, ये सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड में एमिनो एसिड के लिए इस टेस्ट की यूज की जाती है। सिर्फ यही एक टेस्ट है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करता है। तो कोई भी हम मोनो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या मोनोसैकेराइड्स लेते हैं, तो जो मोनोसैकेराइड्स को अगर हम यूज करते हैं बारफोइड के लिए, मोनोसैकेराइड्स को, तो बारफोइड में जो टेस्ट में हम यूज करते हैं कॉपर ही करते हैं, कॉपर एसीटेट। सो कॉपर का जो ऑक्सीजन होगा 1 होगा और ये एसीटेट हो जाएगा हमारा, कॉपर एसीटेट करते हैं, और कॉपर एसीटेट कार्बोहाइड्रेट को में से यूज करने पर ये एसीटेट का जो कर हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो कलर्स होती है वो रेड PPT होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, सिर्फ बारफोइड टेस्ट, बाकी जो तीनों टेस्ट है वो प्रोटीन टेस्ट है। तो कह रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड टेस्ट नहीं देगा, तो ये नहीं देगा, बाकी तीनों दे देंगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये सब्सट्रेट है और NaBH4 का ये रिएजेंट है, एंड यू नो NaBH4 इज द सेलेक्टिवली रेड्यूसिंग एजेंट, एक बहुत बढ़िया सेलेक्टिवली रेड्यूसिंग एजेंट है जो रेड्यूस करता है किसको, कीटोन को करता है, जो करता है आपको
एल्डिहाइड को करता है, और एक और चीज़ है जो करता है आपको इमाइन को, ये इमाइन को भी ऐसा करता है, लेकिन ये किसको नहीं करता, ये सीएन को नहीं करता है, ये किसको नहीं करता, ये डबल बॉन्ड को ये नहीं करता। तो सीएन डबल बॉन्ड केस में तो एनएबीएच पर बिल्कुल फेल है, लेकिन कीटोन एल्डिहाइड एनएच को वो कन्वर्ट कर देता है, इसको वो हाइड्रोजन करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पर कीटोन है, तो कीटोन तो बन जाएगा आपका ओएच, तो ओएच तो हमें दिख रहा है बी सी डी में, और इसको इसको छेड़खानी नहीं करेगा, और जो ये है डबल बॉन्ड है, तो इस केस में यहाँ पर एक एनएच हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यही सही है, C3N4 इज द रॉन्ग आंसर। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स ऑफ इट 0.1 मोलारिटी अक्वस सॉल्यूशन इज, तो ये एक मोलारिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, वेट निकालना है शुगर का वेट, तो मोलारिटी दी हुई है 0.1 और वेट ऑफ शुगर हमें पता नहीं है, और इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 342 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68.4 ग्राम। तो ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो यू विल गेट द दिस आंसर। 5.1 ग्राम ऑफ अमोनियम एस एच थायोल इज इंट्रोड्यूस इन ए 3 लीटर, सो वॉल्यूम कितना 3 लीटर्स है, इन इवेक्यूएटेड फ्लास्क है 327 डिग्री सेल्सियस, 30% ऑफ सॉलिड एन एच फोर थायोल आर डिकम्पोज टू अमोनिया एंड एच टू एस एज ए गैसेज, के पी फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का के पी फाइंड आउट करना, जबकि मोलर मास ऑफ सबके दिए हुए हैं, तो ये कैसे हो पाए, इसके इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन हो जाएगा NH4 ये थायोल हो गया, और इसको हीट करने पर NH3 प्लस हमें नेक्स्ट गैस मिल रहा है वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि ये 5.1 ग्राम है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, तो ये मोल्स हो जाएगा 5.1 डिवाइड बाई 51, इसका मोलर मास कितना होता है 51 ग्राम होता है, तो ये कुल मिला के 0.1 मोल होगा, राइट, ये तो स्टार्ट टी इक्वल टू जीरो है, यहाँ जीरो होगा जीरो होगा, और जब ये 30% डिकम्पोज करेगा तो 0.3 × 0.1 मोल, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल हो जाएगा, और ये भी 0.03 मोल होगा, किस में होगा, ये 1 लीटर में होगा, इन 1 लीटर, तो अगर 3 लीटर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मोल, ये होगा 0.01 मोल। और एक बता दूँ ये भी क्या है, ये गैस है और ये गैस है और ये क्या सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड दो गैस पे कन्वर्ट हो रहा है, तो केपी किस पर डिपेंड करता है, केपी सिर्फ गैस पे डिपेंड करता है, तो केपी इज प्रेशर ऑफ दिस मच 0.01 0.01। ठीक है, तो इस केस में जो ये मोल्स हैं, मोल्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ये मोल्स है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना होगा, तो पहले तो हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर अमोनिया, सो पार्शियल प्रेशर अमोनिया जैसे लेट इज पीवी इक्वल टू NRT, क्योंकि दोनों के एक का निकालेंगे दोनों का निकल जाएगा प्रेशर, तो अमोनिया का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0.01 मोल, ठीक है, हाँ ये तो अमोनिया का प्रेशर हो जाएगा एन कितना हो जाएगा, तो एन टोटल मोल्स तो हमारा 1 लीटर के लिए 0.03 है और वॉल्यूम 1 है, आर कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ यहाँ पर 0.082 और टेम्परेचर दिया हुआ यहाँ पर 327, दिस मीन्स ये कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो 600 केल्विन, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे वन नहीं ये आपका लीटर दिया हुआ है 3 लीटर, सो इसको लिखना पड़ेगा 3 लीटर, राइट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.492, ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब हमें एटमॉस्फेयर मिल गया हमें, तो एटमॉस्फेयर ये हो गया आपका 3 लीटर का, इतना हो जाएगा, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो यहाँ पर 492 को स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा 0242 एटमॉस्फेयर स्क्वायर, तो आंसर हमारा यहाँ से मैच कर रहा है। द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली, तो ये एक सिंपल सा मेटलर्जी क्वेश्चन जिसमें गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्शन करते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस से, तो उसके रिएक्शन को पता होना चाहिए, हम सपोज सिल्वर लेते हैं, सिल्वर का सोडियम साइनाइड एक लीचिंग एजेंट है और उसको एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो यू विल गेट हियर सोडियम एंड सिल्वर, उसके साथ में हमें मिलता है CN होल ट्वाइस एंड प्लस योर सोडियम सल्फेट, ये आपको मिल जाता है गैसेस, और इसी को हम यहाँ सिल्वर निकालने के लिए के हम जिंक का यूज करते हैं, तो फाइनली हमें कंपाउंड मिलता है Na2 और ये हो गया ZN और उसके साथ में ये CN होल 4, ठीक है, और प्लस हमें सिल्वर एज ए प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है।
हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमारे पास में, तो AgCN2 कहा गया, इसमें से कौन सा बन रहा है, ये तो नहीं है हमारे पास में, ये वाला है AgCN होल्ड ट्वाइस एंड पर्स पर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो ये ऑप्शन सही हमारा है AgCN2, ये सही है, सिर्फ यही दिख रहा है इस दोनों केस में, और ये तो बनेगा नहीं, तो सिल्वर में भी यही बनता है और गोल्ड के केस में भी यही बनता है। इस पूरे रिएक्शंस को हम मैं करते हैं फॉरेस्ट साइनेज रिएक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिन्होंने स्टडी किया था, तो आंसर हमारा थर्ड वाला सही आंसर है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये तो हो जाएगा एसिड और ये बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन के साथ में ये पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ सी एस थ्री, यहाँ पर ओ एन ए एंड वाटर, उसके बाद में सी एस थ्री आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर सोडियम की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, ईथर का रिएक्शन है, तो ये पर आपका रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर ये ईथर बन जाएगा और सोडियम रिएक्शन करने के बाद सोडियम आयोडाइड एज ए प्रेसपेट बन जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो देखें इसमें से कौन सा मैच करता है, तो यू कैन सी ओनली मैचिंग दिस आंसर, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ये भी मैच नहीं कर रहा है, सो ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन ए टू इज कन्वर्टेड टू वे, और हमें इसका लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस रिवर्सल रिएक्शन केस में, तो पहले अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो नॉर्मली इस रिएक्शन को जो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए टू बाई डी टी, और इसको लिखते सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ डी ए बाई डी टी, और इसका जो रिएक्शन हमारा होगा इसका रिएक्शन होगा, तो पहले लिखेंगे क्या होगा के वन, तो के वन लिया उसके बाद ए टू लिया और उसके बाद माइनस लिया, और रिवर्स लेना होगा तो के इनवर्स लिया और उसके बाद में ए का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका फाइंड आउट कीजिए, तो ये माइनस साइन है, ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो डी ऑफ ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा टू, इधर चला जाएगा तो टू इंटू इसको मान लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू आर, तो आर तो एक्चुअली ये पूरा रिएक्शन है तो इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर करेंगे माइनस तो यस, तो ये हो जाएगा हमारा पास सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये लिखेंगे हमें यहाँ पर टू इंटू माइनस आर, सो माइनस आर तो ये पूरा हमारा वैल्यू है, तो टू इंटू के वन होल ए टू, और ये हो जाएगा हमारे पास में टू से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा ये होगा टू और ये हो गया के माइनस वन ए का होल स्क्वायर, ये माइनस वन है, तो ये भी टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों टू से मल्टीप्लाई है, तो फाइनली इसको लिखेंगे तो देखना अपने कौन टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ टू से मल्टीप्लाई सिर्फ ये वाला हो रहा है, ये भी ये सब नहीं हो रहा है, तो ये आंसर सही आंसर है। द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो देखना है, यहाँ देखिए दो कीटोनिक ग्रुप्स है और एक बेस के साथ में इसको हीटिंग की गई है, बेस सॉल्यूशन के साथ में स्ट्रांग बेस के साथ में ओ ई टी एच इज द स्ट्रांगेस्ट बेस एंड दो कीटोन्स है, तो दो कीटोन्स में आप देख सकते हो कि इस केस में हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर अनलोड कंडेंसेशन होना चाहिए, और यहाँ पर दो अल्फा कार्बन हैं, तो डेफिनेटली इफ दिस कार्बन भी अंडरगो इनोलेट, ये इनोलेट आयन बनेगा और इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करने के बाद एक रिंग के फॉर्म में ले लेगा और यू विल गेट द प्रोडक्ट, तो लेट अस सी द मैकेनिज्म, सो इट इज देन सॉल्व एग्जांपल्स, तो आप देख सकते हो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर अनलोड कंडेंसेशन है, बेस के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनता है, कैसे लेट अस सी द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इज हियर, दिस इज द होल मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म में देखिए ये एक स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पोलराइज होगा, अटैक करने के बाद ये रिंग बनेगा, इसको कहते हैं रिंग क्लोजिंग, यहाँ रिंग क्लोज हो जाएगी और रिंग क्लोज होने के बाद में ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद में फिर प्रोटॉन्स यहाँ से इस पर जाकर जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और जब हीट करेंगे तो OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये कंपाउंड बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बनना चाहिए आंसर, लेट अस सी इसमें चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है, हमने पहले ही देखा था, तो हमारे पास चार ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शंस हमें मिल रहा है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सो मोस्ट सिली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द JEE क्वेश्चन, सो इजी नोमेनक्लेचर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सॉल्व तो करना ही है,
ये अल्किन्स है, अल्किन्स फंक्शनल ग्रुप में आता है, इसकी प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी। ये कार्बन वन होगा, ये कार्बन टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा एंड फाइव क्वेश्चंस। सो फाइव क्वेश्चन में ये तो पेंट टू इन हो गया, तो पेंट टू इन तो हमारे पास में है ही, और थर्ड में मिथाइल है, फोर्थ में ब्रोमो है। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा, फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंट टू इन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोडियम मेटल्स ऑन डिजोलेशन इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पहले आप रिएक्शन देखिए, सोडियम्स का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियस क्या करता है, सोडियम और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ में वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें दो तरह का मोल लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो पहले सोडियम अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ में, और ये बन जाता है आपका प्लस चार्ज, जो कहते हैं हम लोग सोडियम अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के साथ में ये जुड़ जाते हैं, और इट टेक द वाई नंबर ऑफ अमोनिया विद दिस इलेक्ट्रॉन्स, इस पर चार्ज आता है आपका नेगेटिव। इसी को हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाता है हमारा सोडियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो हमारा दिया ही हुआ है, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ देखिए, ये जो अमोनिया जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेता है तो ये क्या करता है कि विजुअल वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस में वो डाल देता है। जो डाल देता है उससे पूरी सॉल्यूशंस होती है, उसकी जो कलर हो जाती है वो एक ब्लू रंग के नीले ब्लू रंग के कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास में ये ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है आपके पास में, ये पारा मैग्नेटिक हो जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा कि जो सॉल्यूशंस है वो ब्लू क्यों हो गया, वो इसलिए ब्लू हो गया क्योंकि सब सॉल्यूशंस ने विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट को प्रोड्यूस किया, किसने, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स में। तो आंसर हमारा ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ए कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला ए टू बी थ्रू हैज ए एससीपी लैटिस एंड व्हिच एटम फॉर्म द एससीपी लैटिस एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय द अदर एटम्स। अब जो लैटिस स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली एनाइंस की ऑक्यूपेंसी होती है, तो एनाइंस हमारे पास क्या है, बी एटम्स। तो ऐसे भी लैटिस में तो बी होंगे ही, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो वन एंड थ्री में से तो या तो ये सही है ये सही है, दोनों में सब चेक करना होगा दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो लैटिस में तो हमारे चले जाएंगे बी एटम्स, राइट। अब देखिए ऐसे भी पैकिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और उसमें जो जेड इफेक्टिव होती है टोटल एटम्स की 6 होती है, लेकिन बी एटम्स कितने हैं, तो बी एटम्स हमारे पास में 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो इसके मतलब है कि 3 एटम्स की जो इफेक्टिव जो एसीपी में 3 एटम्स की ऑक्युपेंसी है। अब इसका 6 इफेक्टिव एटम्स हैं, तो इस केस में वॉइड पास कितने होंगे, इसके से 12 होना चाहिए, लेकिन 3 एटम के लिए ये सिर्फ 6 वॉइड को ही क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। 6 के लिए 12 वॉइड चाहिए, तो 3 एटम में 6 ऑक्युपाई करेगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास में जो ए है, ए हमारा कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, तो ए कितना हमारे पास में 2 ही हैं, जिसका मतलब है कि जो वॉइड में जो फ्रैक्शन ऑफ वॉइड ऑक्यूपाई होगा टेट्राहेड्रल का वो कितना होगा, तो ये तो 2 होगा और टोटल वॉइड कितना है 6, यानी कि 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाई द ए एटम्स। यानी कि ये कहा गया कि एटम्स कौन से हैं, तो एटम्स लैटिस में बी जाएंगे और वॉइड कितना ऑक्यूपाई होगा, वॉइड ऑक्यूपाइड होगा 1/3। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, इसमें है एक कोलाइड्स है, जबकि आपको बताऊं ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सोल्स ये हो गया। अब गोल्ड क्या, गोल्ड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, कोलाइड सॉल्यूशन में पढ़ा होगा। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, सो आंसर ये सही है। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 ऑन हीटिंग विथ अक्वस अमोनिया, अमोनिया से हीट करने पर ये करंट इट फॉर्म्स द बी कंपाउंड, ए से बी बन जाता है। एंड बी को अगर हम ब्रोमीन एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो ये कंपाउंड सी बन जाता है, और उस सी का फॉर्मूला है C6H7N। तो कहा जा रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये हमारे पास में चारों ऑप्शन हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे इसको सॉल्व करते हैं।
एक कंपाउंड हमारा ए है C7H6O2, अगर को अमोनिया हमने हीट किया तो ये बन गया बी, और उसके बाद Br2 की ओर से करेंगे तो ये बन गया C6H7, और ये हाइड्रोजन 7 है और ये नाइट्रोजन है। तो इस केस में ए क्या है, एरोमेटिक होना चाहिए। ए के जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें ध्यान से तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इससे मैच खा रहा है C7, तो ये बेंजोइक एसिड है। अब रिएक्शन में चेक कर लेते हैं, अमोनिया से कराएंगे तो एक बन जाएगा CONH4, और फिर हीट करेंगे तो ये कंपाउंड जाएगा BCONH2, और इसको जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड से ब्रोमीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा, और इससे बन जाएगा ये कंपाउंड एनिलीन। तो ये कंपाउंड देखेंगे तो ये हमारा C6H7 है और नाइट्रोजन है, तो ये एक एनिलीन का प्रोडक्ट है। दिस मीन्स जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक बेंजोइक एसिड का आंसर होगा, ये सही आंसर है। So out of 4 options, this option is correct. The number of 2 center 2 electron and 3 center 2 electron bonds in B2 and 6 respectively. तो ये बहुत सी सिंपल क्वेश्चंस जो अक्सर आपने कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, एक बार फिर से पूछ दिया है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, बोरोन है और बोरोन के पास में एक हाइड्रोजन क्या होती है, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होती है, और दूसरा बोरोन है इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, और एक हाइड्रोजन ऊपर होगा एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और एक इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 सेंटर है, और यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन सेंटर कितना है, ये 3 है, द 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितना होगा, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन ये कितना होगा, एक ये बॉन्ड होगा बनाना बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होगा ये बनाना बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड यहाँ होंगे। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हो जाएंगे 2। तो ये आंसर हमारा सही है इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो इसका मोनोनाइट्रेशन करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। तो यहाँ से तो आपको NO2 मिलेगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके रिएक्शन होती है तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलती है NO2+। अब ये क्या है, आप देखेंगे ये रिंग क्या है, ये रिंग एक्टिवेटिंग रिंग है, ठीक है, और ये रिंग क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग रिंग है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में NO2 का जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन होगा वो एक्टिवेटिंग रिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो रिंग को अटैकिंग होगा तो यहाँ पर ऑर्थो और पारा पोजिशन, दो पोजिशन पर NO2 का अटैचमेंट हो सकता है। तो पारा इज द मोर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर NO2 का अटैचमेंट हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है और फोर्थ ऑप्शन भी ही रॉन्ग है, ये आंसर ही सही आंसर है। इन द सेल प्लेटिनम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है और एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, सो ये आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स है, एंड इन दोनों का जो सेल पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 0.92 वोल्ट। व्हेन जब सॉल्यूशन लेते हैं ऐसे सॉल्यूशंस की मोलारिटी 10^-6, यानी कि जब इसकी कंसेंट्रेशन इतना लेते हैं तब जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या होगी और इसकी जो वैल्यू दी हुई है। तो ये एक रिएक्शन से, अब इसके लिए हमें नर्नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। So let us see these equations to solve this question. So this is the whole equations. आप देख सकते हो platinum hydrogen 1 bar HCl aqueous on silver chloride in platinum with platinum is a electrode. तो जब रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर जो क्लोराइड होगा उसकी रिएक्शन कैसे होगी, नाइट्रोजन N+ ये आपका सिल्वर बन जाएगा और H+ HCl, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे H+Cl आयन में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिल्वर से आपको यहाँ पर सिल्वर का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिल्वर इज योर रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर इज दिस मच दिस नॉट एंड दैट इज गॉट 0.92 -2.303 RTNF log। तो log की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपका, तो उसमें लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ दिस होल, ये हो जाएगा H+ आयन और ये हो जाएगा Cl- आयन और डिवाइड बाई गैस की हम नीचे लिखेंगे, तो ये जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर, और गैस में आपको ये H+ कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ पेस्टी हो जाएगा। सो 0.92 उसके जो आयंस दिए हुए हैं ये, तो ये हमें फाइंड आउट करना ही है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है 0.06 दी हुई है, और NF है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कितना कर रहा है, तो सिल्वर से +1 AgCl से Ag में जा रहा है, तो ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
आप एक ही लिखेंगे यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स की गेन हो रही है एंड 0.06, और एचपीएस की वैल्यू वो दी हुई है एसिड में इतनी दी हुई है, और ये तो 1 दिया हुआ है, ये 1 बार है तो 1 का तो 1 ही रहेगा। और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो सेल की वैल्यू 0.2 वोल्ट आ जाएगी। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स, वन विद दैट रिक्वायर ए कैटलिस्ट, किसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शंस है जिसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रिएक्शंस क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बाकी कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए इसमें कैटलिस्ट चाहिए ताकि रिएक्शन रिवर्स ना कर सके, बाकी नॉर्मल तरीके से रिएक्शंस हो जाता है। तो काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए सॉल्व करने के, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग मार्क्स। एन आइडियल गैस इन्वॉल्व्स आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 m³ टू 1 m³ अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 Nm/m². हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मीन्स जब गैस का कंप्रेशन हो गया तो वो कंप्रेशन से हीट निकला, हीट से एल्यूमिनियम मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ गई, इसमें चेंज आ गया, तो ये ट्रांसफर हो गया। तो उसमें हम यूज कर सकते हैं आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वी। अब चूंकि यहाँ पर यू तो जीरो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, ये हो जाएगा हमारा सी पी इंटू डेल्टा टी सी वी, सॉरी सर सी वी इंटू डेल्टा टी, और जो माइनस से हमारे पास में हो जाएगा ये पी डेल्टा वी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लिखेंगे पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वी टू माइनस वी वन। तो सी वी कितना दिया हुआ, सी वी तो हमारा दिया हुआ यहाँ पर 24, आप देख सकते हो दिया हुआ सी वी, मोलर हीट कैपेसिटी 24, और चेंज इन टेम्परेचर पता नहीं है, और प्रेशर कितना, प्रेशर तो 4 हो गया, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है हमारा 1 - 5, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 16। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो चेंज इन जो टेम्परेचर होगा वो 16/24, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2/3 K। सो आंसर ये सही है। द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विथ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 71 एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल। तो 71 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। काफ़ी क्वेश्चंस है जो कि आप अक्सर यूज करते होंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सॉल्व करने के लिए। तो 71 से नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ज़ेनॉन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। अब ज़ेनॉन के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा वो होगा हमारा 6s2, तो ये हो गया 56, और 6s2 के बाद नेक्स्ट होगा हमारा 5d1, तो 56 + 1 कितना हो जाएगा 55, और उसके बाद कितना बचता है, अब सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एफ ऑर्बिटल में। तो जो एफ ऑर्बिटल होगा वो कितना होगा, तो 56 + 57 नेक्स्ट विल बी 14, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स वो एफ में चले जाएंगे, 4f ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो आंसर हमारा ये सही है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सो ये हमारा कंपाउंड है, और पहले डायल्यूट HCl फिर ऑक्सलिक एसिड का रिएक्शन से फिर पॉलीमराइजेशन से। तो डायल्यूट HCl में यहाँ पर ऑक्सीजन और इस कंपाउंड में क्लीवेज जाएगा, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस वन। सो पहले प्रोडक्ट होगा आपका OCH3 और इसके पर OH, और यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। उसके बाद जब ऑक्सलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सलिक एसिड, सो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ से भी OH बाहर जाएगा। सो वी विल गेट, सो वी राइट इन दिस वे, सो इट इज़ कम्फर्टेबल। सो O को हम यहाँ लिए, यहाँ से तो O फ्री बैलेंसी हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से ये हो गया OCH3, ठीक है, और उसके बाद तो रिंग है ही, और यहाँ से O, उसके बाद CO, उसके बाद CO, और यहाँ ये पूरा जो कंपाउंड है इसकी जो है ये रिपीटेशन कर जाएगी। तो दिस इज द प्रोडक्ट, सो विल चेक फ्रॉम द आंसर विच इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द ओ एंड थर्ड पोजिशन OCH3, और यहाँ पर ओ है, सी ओ सी है, तो ये तो सही दिख रहा है। अब यहाँ देखिए सेकंड में यहाँ पर OH है, ये तो गलत हो गया, और यहाँ पर थर्ड पे OH है, तो यहाँ की जगह तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पर, तो गलत है, और दूसरा फोर्थ ऑप्शन में ओ से, तो ये भी रॉन्ग है। सो ओनली द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, दैट इज दिस वन। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड आउट विच मेटल हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज।
सो ऑलरेडी वी नो दैट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर बस कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरह कंपाउंड बनते हैं, एक है हाई स्पिन का और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है लो स्पिन का. सो देर आर टू टाइप ऑफ स्पिन, इधर हाई स्पिन एंड लो स्पिन. जब हाई स्पिन इज फॉर्म्ड व्हेन द लिगैंड इज वीक, जब लिगैंड वीक होता है तभी हाई स्पिन बनता है, और जब लिगैंड होते हैं वो स्ट्रांग लिगैंड्स होते हैं तो जो स्पिन होता है वो हमारा लो स्पिन होता है. तो ऐसे हो गया. अब लो स्पिन में जो नंबर अनपेयर्ड मिनिमम होगा वो कितना होगा, वन होगा, वन इज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और हाई स्पिन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितना होगा, वो तीन होगा. जैसे कि बताइए आपको कि हाई स्पिन में जो तीन होते हैं तो नीचे के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उस पर तीन बॉक्स, मतलब ये तीन होते हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसे हम कहते हैं टी टू जी, और ऊपर वाले जो बॉक्स होते हैं उसे कहते हैं हम लोग ईजी, राइट. तो जो ईजी और टी टू जी में इसमें मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन्स. वन होगा तो ये स्ट्रांग लिगैंड, और वीक होगा तो ये आपका तीन होगा तो ये वीक लिगैंड. तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंस करते हैं. सो डिफरेंस इज गिवन टू, मीन्स थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू. अब इसमें से चेक किया जाए कौन सा सही है. तो अगर हम निकल लें तो निकल डाई पॉजिटिव में ये होगा हमारे पास में 3d8, यानी कि इसके पास में जो स्ट्रांग लिगेंड्स, एट का मतलब हो गया तो यहाँ पर वीक लिगेंड्स अगर हम यूज करते हैं, एन हो गया, वीक लिगेंड्स यूज करते हैं और स्ट्रांग लिगेंड्स यूज करते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा दो होगा, वीक लिगेंड केस में जो वैल्यू होगी उसकी दो और स्ट्रांग में जीरो हो जाएगा. उसी तरह हम यूज कर सकते हैं Fe2+ का. Fe2 का होता है 3d6. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो जीरो हो जाएंगे. अब जब हम यूज करेंगे वीक लिगेंड तो फोर होगा, और जब लेंगे स्ट्रांग लिगेंड तो ये भी हमारा फोर होगा. उसी तरह Mn2+ लेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3d5 होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, पाँच होंगे. जब वीक लिगेंड यूज करेंगे तो उसके पास भी पाँच ही होंगे और स्ट्रांग लिगेंड की वजह से एक होगा, क्योंकि पेयर्ड हो जाएगा, स्ट्रांग लिगेंड पेयर्ड कर देगा. सिर्फ Cb2+ है, ये तो होता है 3d7, इसके पास नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये तीन है. वीक लिगेंड की वजह से नंबर अनपेयर कितना होगा, तीन होगा. स्ट्रांग लिगेंड की वजह से कितना होगा, वन होगा. तो इसमें से जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ कोबाल्ट के केस में ही नजर आ रहा है, बाकी केस में ये नजर नहीं आ रहा है. वैसे भी अगर हम देखें तो जो कोबाल्ट बनाता है, कोबाल्ट का आप अगर देखेंगे तो H2O6 और ये ट्राई पॉजिटिव. तो यहाँ देखते हैं वीक लिगैंड केस में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो तीन आ रही है, जबकि स्ट्रांग लिगैंड में देखेंगे तो ये NH3 के साथ भी ये कंबाइन करके फोर माइनस केस में ये हमारा बनाता है टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन. सो इन चारों ऑप्शंस में जो कोबाल्ट की जो आंसर्स है वो ज़्यादा सही है. यहाँ दो मैच द कॉलम दिया गया है, इसमें एक लाइसिन फुरफुली है कंपाउंड से और इसका रिएजेंट है. तो लाइसिन जो टेस्ट देगा वो एक लाइसिन एमिनो एसिड से, तो एमिनो एसिड के लिए हमारे पास टेस्ट है, उसका नाम है निनहाइड्रिन, फुरफुल कंपाउंड है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड से, तो इसके लिए नेपथोर का टेस्ट है. बेंजाइल अल्कोहल से, बेंजाइल अल्कोहल के लिए सेरिक अमोनियम का टेस्ट है. सो ये हो जाएगा सी का एस, बी का पी और ए का क्यू. और जब स्टाइरीन है तो स्टाइरीन में एक कंपाउंड से, तो इसके लिए इसके पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स विच गिव यू KMnO4 बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, तो डी का आर. तो इसके ऑप्शंस क्या होगा, ए का क्यू, तो ए का क्यू यहाँ लिखा हुआ है, बी का पी भी है सही है, और सी का क्या होगा, सी का तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल का एस, सी का एस, तो ये तो आपको मैच कर रहा है, और डी का आर, तो ये ऑप्शन सही है. एक बार इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूँ. सो दिस इज द लाइसिन विच विल गिव यू निनहाइड्रिन, ये फुरफुरिल है, फुरफुरल है, नेपथोल और बेंजाइल अल्कोहल, और दिस इज द स्टाइरिन. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 2 केल्विन एंड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज फॉर सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन. दोनों का जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है सेम है. द रिलेशन बिटवीन द केबी एंड केएफ इज, नाउ विल यूज द प्रॉपर्टी. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. तो यहाँ तो डेल्टा टीबी 2 दिया हुआ है, केबी कितना है आपको वो पता नहीं है, और इसकी वैल्यू 1 दी हुई. ये क्वेश्चन 1 हो गया. दूसरा डेल्टा टीएफ हो गया हमारा केएफ इंटू एम.
तो के एफ की जो वैल्यू यहाँ डेल्टा, ये भी दो दिया हुआ है, के एफ की वैल्यू हमें नहीं पता है और एम की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है टू, ये क्वेश्चन टू। तब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा के बी बाई के एफ और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1/2। दिस मीन्स जो के एफ की वैल्यू होगा 2 इंटू के बी। तो चेक करना कौन सा सही है। सो के एफ इक्वल टू 2 इंटू के बी और ये कह सकते हैं के बी इक्वल टू हाफ ऑफ के एफ, के एफ अभी देखें तो के बी इक्वल टू 0.5 KF। तो कौन सा मैच कर रहा है आंसर, तो अगर मैच देखें तो आंसर हमारा ये वाला मैच कर रहा है। द पेयर दैट कंटेन्स टू pH बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द ऑक्सी एसिड्स, तो इनमें से किस ऑक्सी एसिड्स का जो दो pH बॉन्ड्स होगा, तो इसके लिए आपको सबसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस आर द डायग्राम ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑक्सी एसिड का डायग्राम्स है, और इस केस में आप देख सकते हो कि H3PO2 में pH बॉन्ड्स तो एक ही है, यहाँ पर दो है, ये तो सही आंसर हो गया। H3PO3 में तो हमारे पास एक ही है और जबकि H4P2O5 में दो है और H4P2O6 में एक भी नहीं है, तो इसका मतलब H3PO2 और H4P2 पर ये दोनों आंसर ही सही होना चाहिए। लेटर हम लोग इसको ऑप्शन देखते हैं कौन सा ही है। सो ऑप्शन में H3PO2 और H4P2O5 दिया हुआ है, तो दिस आंसर इज करेक्ट। And if you like this videos, please subscribe our channels and give some positive comments on this video. Thank you very much.